सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाला है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी समुचित तैयारी कर लिए होंगे और धान भी कटाई शुरू हो गया है। इसमें आए दिन एक घटना हुआ था कि थ्रेसर मशीन में एक किसान धान डालते डालते दुर्घटनापूर्वक उसके अंदर चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे घटनाओं से सावधान रहें और धान मिसाई के दौरान यदि थ्रेसर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हों सतर्कता बरती जाए और साथ ही साथ किसी प्रकार का खुले कपड़े पहनकर या गमछा लेकर उन्हें उसके नज़दीक जाने से बचें। इस घटना के लिए सावधानी बरतना बहुत ही अति आवश्यक है। और साथ ही साथ सभी किसान भाइयों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और मोदी जी के गारंटी के तहत इस वर्ष भी 3100 रुपया प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि धान खरीदी में किसी प्रकार की अनियमितता ना हो, इसके लिए शासन द्वारा भी बहुत सारे गाइडलाइंस संबंधित विभाग को दिए गए हैं। और आप सभी को भी बता दें कि इस संदर्भ में किसी को भी यदि आपसे अनावश्यक रूप में कोई पैसे की डिमांड करता है या आपको कोई परेशान करने की प्रयास करता है तो उस विषय में अवगत जरूर करवाएं, लेकिन परेशान बेवजह की होने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सबको पुनः शुभकामनाओं के साथ मैं यही कामना करता हूँ कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष आपका धान की फसल और बेहतर हुआ होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।